मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत अगवानपुर गौशाला रोड स्थित बाबा बिहारी दास समाधि पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराया गया। समाधि पर विशेष पूजा अर्चना के साथ भजन कीर्तन और विशाल भंडारा भी संपन्न कराया गया, जिसमें कमेटी के मूल चंद गुप्ता, वरिष्ठ समाज सेवी और भाजपा नेता अंशुल गुप्ता, शंकर राजपूत, अचल शर्मा, सचिन बिस्नोई, सुरेंद्र कुमार प्रजापति, गौरव तोमर, अतुल गुप्ता, जितेंद्र सैनी सहित भारी संख्या में कमेटी के सभी सदस्य और ग्रामवासी मौजूद रहे। सर्वप्रथम समाधि स्थल पर हवन पूजन आयोजित हुआ, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हवन पूजन होने के बाद ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन के साथ सभी को जागरूकता की संदेश देने का प्रयास किया गया। भजन के बाद विशाल भंडारा भी आयोजित हुआ, जहां आसपास के क्षेत्र के गांव से आए ग्रामवासियों ने इस भंडारे का लाभ उठाया। कमेटी के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता समाज सेवी अंशुल गुप्ता ने यह जानकारी दी कि श्री बाबा बिहारी दास से जो भी मनोकामनाएं अपनी मांगता था वह पूरी होती थी और सभी धर्म के लोग इनके पास आते थे। आज बाबा बिहारी दास की समाधि पर विशाल भंडारा आयोजित हो रहा है, जिसमें कमेटी के सभी सदस्य भाग ले रहे हैं। हर वर्ष यहां पर यह भंडारा आयोजित किया जाएगा और इससे पूर्व रामलीला मैदान में यह भंडारा आयोजित होता था। ये हमारे बाबा बिहारी दास जी की समाधि है। बाबा बिहारी दास जी के बारे में कहा जाता है, जब वो हमारे बीच में थे तो समाज के सभी वर्गों के लोग उनके पास आते थे और जो भी मनोकामना लेकर आते थे, जिस भी मन से आते थे, बाबा बिहारी दास ने कभी किसी को निराश नहीं लौटाया। उसके बाद जब बाबा बिहारी दास हमारे बीच नहीं रहे, बैकुंठवासी हो गए, उसके बाद इस समाधि स्थल पे जो भी जिस मनसा से आता है, जिस उम्मीद से आता है, ऐसा माना जाता है आज तक यहाँ से कोई खाली नहीं गया। आज बाबा के मंदिर का पिछले वर्ष पुनर्निर्माण हुआ था, तो पिछले वर्ष भी भंडारा हुआ था और आज भी उसको एक साल हो गया, तो आज भी भंडारा हुआ है और बाबा बिहारी दास जी की कृपा हम सब पर बनी रहेगी, तो शायद ये ऐसे ही चलता रहे। पहले जो है बाबा बिहारी दास की पुण्यतिथि पर रामलीला ग्राउंड पर भंडारा होता था, भागवत होती थी, भंडारा होता था, समाधि पे लोग कम आ पाते थे। अब जब समाधि का पुनर्निर्माण हो गया है तो भारी संख्या में श्रद्धालु रोज यहाँ पर आते हैं और समाज ने ये मन बनाया है जो भंडारा वहाँ होता था वो भी चलता रहे और यहाँ भी प्रतिवर्ष ऐसे ही श्रद्धालुओं का मेला लगता रहे।